पुलिस को चकमा देकर हत्या के मामले में कैदी हुआ फरार। मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस की सुरक्षा में इलाज के लिए आए कैदी हो गए फरार। पुलिस कर्मियों में हरकम मचा हुआ है। पुलिस उसकी खोजबीन में जुट गई है। पूरा मामला है मुजफ्फरपुर जिला के एसकेएमसीएच ओपी क्षेत्र का। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर के धीरज कुमार को इलाज के लिए एसकेएमसीएच लाया गया था। इस दौरान कैदी के साथ दो पुलिस कर्मी उसकी देखरेख में आए थे। इस दौरान कैदी हथकड़ी से हाथ सरकाकर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी जेल अधीक्षक को दी गई। पूरे मामले को लेकर जेल अधीक्षक ने आवेदन सौंपा है। पुलिस फरार कैदी को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धीरज कुमार के खिलाफ हत्या, लूट और अन्य मामले में अहियापुर थाने में दर्ज है। करीबन 2022 में पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसकेएमसीएच ओपी अध्यक्ष डॉक्टर ललन पासवान ने बताया कि इलाज में आए कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जेल अधीक्षक ने मामले की जानकारी दी है। हम लोग आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। कल जो है एक बंदी जो जेल से आए हुए थे और जेल प्रशासन के द्वारा जो है दो कांस्टेबल को भी जो है प्रतिनिधित्व किया गया था, उन्हीं के साथ आए हुए थे और कल मामला संज्ञान में आया है कि वो यहाँ से चकमा दे के गायब हो गए हैं। तो चूंकि ये जेल प्रशासन का मामला है और इसमें अभी जाँच चल रही है, आगे जो भी होगा फिर बताया। मामले में जेल में बंद था वो तो मर्डर केस का अभियुक्त था, उसमें 27 आर्म्स एक्ट भी लगे हुए थे, 302 भी लगे हुए थे आईपीसी का धारा। क्या प्रॉब्लम था जो आया था एसकेएमसीएच में इलाज कराने? अब ये तो शारीरिक प्रॉब्लम, ये पेट दर्द का सुने थे, शिकायत था, और बाकी तो अब जांच होने के बाद ही बताया जा सकता है। आप कड़ी पर लेके भागा या छोड़कर? नहीं, छोड़ के भागा है। फिलहाल छापेमारी वगैरह चल रही है? जी जी चल रही है। बंदी का क्या नाम है? धीरज कुमार नाम है। अहियापुर का रहने वाला? हाँ, इसी थाना का। आगे सर कार्रवाई चल रही है? जी जी चल रही है। सच का आईना।